नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार वासियों को मिली इतने एम्बुलेंस की सौगात। कोरोना संक्रमण के बीच 300 घरों पर बुलडोजर चलवाने के मामले में डीएम को कोच ने किया तलब। 90 प्रकार के रोजगार के लिए कराए जाएंगे कोर्स। तेजस्वी यादव ने बताया क्यों बिगड़ी लालू यादव की तबीयत। महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में मनाया अपना बर्थडे। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार वासियों को मिले इतने एम्बुलेंस की सौगात। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को 501 नए एम्बुलेंस की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 501 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इन एम्बुलेंस में 275 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 226 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इन एम्बुलेंस की इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 के तहत खरीदा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मुहैया कराई गई ताकि गंभीर अवस्था में रेफर रोगियों को आईसीयू की जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं के साथ उपचार के लिए बड़े चिकित्सालय में पहुंचाया जा सके। कोरोना संक्रमण के बीच 300 घरों पर बुलडोजर चलवाने के मामले में डीएम को कोर्ट ने किया तलब। एक ओर पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में अवैध मकान पर बुलडोजर चलाने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि बेगूसराय में अवैध मकान तोड़ने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के डीएम को जवाब तलब किया है। दरअसल ये उस समय की बात है जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर थी। लोग संक्रमण के डर से घरों में छुप रहे थे। उस दौरान कई लोगों के घरों पर ही बुलडोजर चला दिया गया। इस बीच अब न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने कोरोना काल के दौरान पदस्थापित डीएम अरविंद कुमार वर्मा को इस केस में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट में जानना चाहा कि कोरोना के दौरान ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि 300 घरों को तोड़ दिया गया, जबकि राज्य सरकार ने घरों को तोड़ने सहित कई अन्य मामलों में रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बेगूसराय डीएम को सोमवार को हाजिर होने का आदेश दिया है। सूरज की तपिश के साथ प्रदेश में होती रहेगी छिटपुट बारिश। बिहार के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। इस दौरान तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज तल्ख हो गया है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से लोगों को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने बिहार को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 10 जुलाई को आमतौर पर मूसलाधार बारिश न होने का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश होती रहेगी। की रफ्तार कम होने से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि बिहार के फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। शुरुआत में बिहार में कई भागों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस सिलसिले में थोड़ा ठहराव आया है। 90 प्रकार के रोजगार के लिए कराए जाएंगे कोर्स। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अहम कदम उठा रही है। इसके लिए राज्य भर में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य भर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें रोजगार संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। युवाओं के कौशल विकास को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। स्किल सेंटर में युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले में पटना, नालंदा और दरभंगा में सेंटर खुलेगा। इन केंद्रों पर हर साल 2000 से 2500 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एग्रीकल्चर, एरोस्पेस एंड एविएशन, कृषि, कपड़ा, ऑटोमोटिव, कैपिटल गुड्स सहित 90 प्रकार के कोर्स स्किल सेंटर पर उपलब्ध होंगे। रोजगार देने वाले को ही मिलेगा उद्योग मंत्रालय से लोन की राशि। बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि बिहार में रोजगार देने वाले उद्योग को ही सीएम उद्यमी योजना कर्ज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस होगा। इसी मकसद के मद्देनजर मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही इस योजना में लोन दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि निर्धारित 54 ट्रेड के लिए ही यह लोन दिया जाएगा। यहां 48 ट्रेड ऐसे हैं जो इस योजना से बाहर हैं। उनमें चयनित 6429 लोगों को ट्रेड बदलने के लिए कहा गया है। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना में 4 लाख रुपए की पहली किस्त ट्रेड बदलने के पहले हफ्ते में ही दे दी जाएगी। जिला परिषद के सीईओ को लेकर जारी किया गया आदेश। राज्य के 38 जिलों में जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद खाली चल रहा था, जिस वजह से विकास के काम बाधित हो रहे थे। मालूम हो कि बिहार सरकार ने जिले के सभी उप विकास आयुक्त से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभाव ले लिया था, इस वजह से यह पद खाली चल रहे थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अपर समाहर्ता को सभी जिलों के जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
शारीरिक शिक्षकों का विशेष ट्रेनिंग आज से हुआ शुरू। बिहार में पहली बार सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली की गई है। इन शिक्षकों की बहाली के बाद अब इनकी ट्रेनिंग आज से शुरू की गई है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आज से राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शारीरिक शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम 7 से 27 जुलाई तक चलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 6 अलग अलग बैच में कुल 300 शारीरिक शिक्षकों को योग और खेल से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरुवार को कार्यक्रम का उद्घाटन 9:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह रहे। बाढ़ और कटाव के 46 परियोजनाएं अधूरी। कैग के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत सबको स्वच्छ जल पहुंचाने की योजनाओं में कई योजना आधी अधूरी है और ये सभी योजनाएं 100 करोड़ से अधिक की लागत की है। इसमें सबसे अधिक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की 57 योजना है और जल संसाधन विभाग की 46 योजना अधर में है। यह स्थिति तब है जब एक तरफ उत्तर बिहार के लाखों लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, उसके बावजूद जल संसाधन विभाग की 3.5 दर्जन से अधिक योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही। कैग ने बिहार सरकार की उन परियोजनाओं का भी रिपोर्ट में जिक्र किया है जो 100 करोड़ से अधिक की हैं और पूरी नहीं हुई है। इनमें सबसे बड़ी योजना में बागमती नदी पर हायाघाट काराधन तटबंध को 42 किलोमीटर लंबाई में बढ़ाने की योजना, कटिहार में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव को रोकने से संबंधित 46 योजना शामिल है। राजधानी पटना के डीएम के यहां लगी 15 अफसरों की ड्यूटी। इसी महीने के 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की खबर है। इसको लेकर राजधानी पटना में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों की ड्यूटी पटना डीएम के यहां लगाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक अधिकारियों को 9 से लेकर 12 जुलाई तक पटना समाहरणालय में प्रतिनियुक्ति किया है। जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उसमें राम कुमार पोद्दार, अनिल कुमार, मुकेश कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार अग्रवाल, सुमन प्रसाद साह, ज्ञानेन्द्र कुमार, अजीब वत्सराज, सियाराम सिंह, अशोक कुमार दो, सुधांशु कुमार चौबे, सुभाष कुमार, राजीव कुमार, विष्णुदेव मंडल, मनीष कुमार और आशुतोष कुमार शामिल हैं। बिहार में बंदोबस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होगी दूर। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने राज्य के सहायक निदेशक भू अभिलेख को ऑपरेटर की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित सूचना भी जिलों के डीएम को पत्र के जरिए प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि जमीन के विशेष सर्वे के दूसरे चरण के लिए स्थापना और संसाधनों की कमी को जल्द पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि कई जिलों में स्वतंत्र रूप से बंदोबस्त कार्यालय नहीं है, लिपिक ऑपरेटर और परिचारिका पदस्थापन तक नहीं हुआ है। निदेशक ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों स्वतंत्र रूप से बंदोबस्त कार्यालय के स्थान उपलब्ध कराकर उसके संचालन के लिए अलग से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियुक्त करने को कहा है। तेजस्वी यादव ने बताया क्यों बिगड़ी लालू यादव की तबीयत। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत इन दिनों बेहद खराब चल रही है। कुछ दिन राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद उनके परिवार ने उन्हें दिल्ली एम्स ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद एम्स में राजद सुप्रीमो का इलाज चल रहा है। इस बीच लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने लालू यादव की तबीयत की विस्तृत जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि 2-4 सप्ताह में लालू यादव की स्थिति और बेहतर हो जाए और वो इंटरनेशनल ट्रेवल के लायक हो जाए तो हम सिंगापुर भी ले जाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव को पटना से दिल्ली एम्स इसलिए लाया गया क्योंकि एम्स के डॉक्टर लालू प्रसाद की बीमारियों की हिस्ट्री पहले से जानते हैं। उन्होंने बताया कि लालू यादव की हालत बिगड़ने का मुख्य कारण दवाओं का ओवरडोज था। बकरीद की तैयारी में जोर शोर से जुटा प्रशासन। मुस्लिम समुदाय के बड़े त्योहारों में से एक बकरीद का पर्व नजदीक आ रहा है। इसके लिए राजधानी पटना में भी जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं जिले के डीएम और एसएसपी बकरीद के अवसर पर विधि व्यवस्था में किसी भी तरह से कमी नहीं हो इसके लिए हर तरह से समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने सूचना तंत्र को सुदृढ़ और सक्रिय रहने की सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही पचना डीएम ने गांधी मैदान में साफ सफाई, पार्किंग, विधि व्यवस्था, जलापूर्ति, प्रकाश की व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्था ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया है। आरसीपी सिंह ने ज्योतिरादित्य
सिंधिया को सौंपी इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने आज इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी है। इस दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक काबिल और कर्मठ नेता रहे हैं। उनके पास पहले से ही दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी रही है, जिससे वह काफी बेहतर ढंग से चला रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस्पात मंत्रालय की ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बेहतर तरीके से काम करेगा और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस दौरान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि आरसीपी सिंह के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय मेरी कोशिश होगी कि उनके काम को आगे बढ़ाएं। बिहार में तेजी से मिल रहे कोरोना संक्रमण के मामले। बिहार में कोरोना वायरस के चलते होने वाले संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इससे स्थानीय प्रशासन के साथ ही सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के नए मामलों को लेकर अपडेट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 309 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1389 तक पहुंच गई है। इनमें से सबसे ज्यादा नए संक्रमित राजधानी पटना में सामने आया है। पटना में 137 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके बाद सबसे अधिक भागलपुर में 23 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्यभर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित आने से स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। जांच और बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया में और तेजी लाई गई है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में मनाया अपना बर्थडे। दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार यानी आज 7 जुलाई को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। इससे पहले धोनी और साक्षी भी शादी की सालगिरह 4 जुलाई को थी, जिसे दोनों ने लंदन में ही सेलिब्रेट किया। यह उनकी 12वीं सालगिरह थी। धोनी अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस समय लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं, जहां उन्होंने शानदार तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले धोनी के बर्थडे की धूम हिंदुस्तान के हर कोने में है। उनके चाहने वालों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही आंध्र प्रदेश में उनका 41 फीट का कटआउट भी लगाया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, राज, रिजवान अंजार, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, राहुल कुमार, हमीदा अंसारी, शंकर मुखिया, लक्ष्मी दास, अखिलेश्वर प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।